बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के व्लॉग में। आज मैं आपको अपने साथ साथ मढ़ी की सैर करवाने वाली हूँ। हम कल ही मढ़ी गए हैं और आज मैंने आप लोग के लिए वीडियो को फ़ौरन से एडिट किया और मैंने कहा चलिए मैं अपनी वीडियो डालूँ अपने चैनल पर, ताकि जिसका प्लान है मढ़ी जाने का वो वीडियो को देखे और फिर एंड में देखने के बाद डिसाइड करे कि उसे मढ़ी जाना है या नहीं जाना। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ साथ एंजॉय कीजिएगा। हम लोग तकरीबन टूल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं मढ़ी से। रावलपिंडी से मढ़ी तक का डिस्टेंस तकरीबन 1-1.5 घंटे का है। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى، يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى، شوق تبعت هدى. ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا، إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبي. जी, तो कैसी लगा आपको मढ़ी का मौसम? बहुत ही अच्छा मौसम था, धूप भी थी और सर्दी भी थी और बहुत जख हवा थी। लेकिन ये जो हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है आपको, ये देखने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। जी, हम लोग माल रोड पे घूम रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को सैर कराएं, दिखाएं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ठंड है, इंजॉय करने वाली नज़र आ रहा है आप लोग को। ये पीछे बच्चे आ रहे हैं, ये मढ़ी के माल रोड्स हैं और यहाँ पे एक शॉप विज़िट की मैंने, कहा चलें देखें यहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं। और ये तकरीबन 250 की वो कैब बता रहे थे। और जी, इसके बाद इस यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की चीज़ें थी, छोटी मोटी चीज़ें थी, डिफरेंट प्राइस बता रहे थे वो, कोई 50 रुपीज़, कोई 70 रुपीज़, जहाँ पे चीज़ें चूँकि एक्सपेंसिव होती हैं। ये सेट कितने का है? 700 का। और ये टोकरी, ये रास्ते में एक मस्जिद आई थी, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, जहर की नमाज़ पढ़ ली थी और वॉशरूम वगैरह जब जो था बच्चों को ले गए थे। और मस्जिद बिल्कुल साफ़ सुथरी थी और पानी बहुत ठंडा था। पूरा जो है ना माशाल्लाह से मढ़ी का यहाँ पे माल रोड बर्फ़ से ढकी हुई थी, घरों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई, दुकानों के ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी। यानी कि हमारी तो देखने में प्यारी लग रही थी, लेकिन वहाँ के लोग की ज़िंदगी रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोग बता रहे थे कि जैसे ही बर्फ़ पड़ती है रात को तो सुबह हमारे घरों में होटलों में कहीं पानी नहीं आता, और वो जो होती है ना पाइपलाइंस, वो मंजमद हो जाती हैं। और जो सड़क के किनारे पे बर्फ़ थी वो तो काफ़ी गंदी थी, स्नो मैन बनाने की कोशिश की थी बच्चों ने, पर नहीं बन सका, क्योंकि स्नो मैन बनता है जो बर्फ़ उसी टाइम हो रही होती है, स्नोफॉल, और सॉफ्ट होती है। ये तकरीबन एक दिन की शायद पड़ी हुई थी बर्फ़, इसीलिए थोड़ी हार्ड थी।
फिर भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। रहते हम लोग रावलपिंडी में हैं, लेकिन इस तरह का जो है ना व्यू हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखा था। जब भी जाते हैं तब स्नो कभी ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत कम ऐसा हुआ कि हमने देखा हो कि स्नो पड़ रही हो। और सिर्फ माल रोड पे बर्फ़ थी, और उस जैसे हम लोग नीचे उतरे हैं वापसी के लिए, ये देखें ये ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि मौसम अच्छा है, धूप भी है ठंड भी है, लेकिन माल रोड से नीचे आने के बाद कहीं भी आपको बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। बर्फ़ नज़र आने स्टार्ट ही हमें माल रोड पर जाके हुई थी। तो मौसम अच्छा है, आप लोग जाएँ इंजॉय करें। और जो लोग डर रहे हैं कि वायरस की वजह से हम ना जाएँ, तो वहाँ बिल्कुल रश नहीं है। आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया है, रोड्स खाली थी, बहुत कम लोग थे, तो इजीली आप लोग वहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं, अपनी पिक्स ले सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाएँ, खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, और मरी जाएँ। और हम लोग ये छली ना खाएँ, इस तरह की जो भून के देते हैं इसको, छली के अलावा इसको एक और चीज़ भुट्टा शायद बोलते हैं, तो अभी तो मज़ा ही नहीं आता यहाँ से जब हम लोग गरम गरम लेके खाएं। तो यहाँ पे हमने इनसे फिर ये लिया, और ये हमारे लिए बना रहे हैं इस टाइम गरम गरम, मज़ा आया था खा के। और जी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमने तो वैसे बहुत इन्जॉय किया था। इस तरह का जो मैंने आपको सारा दिखाया मरी में, बहुत मज़ा आया था। ठंड थी काफ़ी, जब हम लोगों ने वहाँ से चाय ले ली और पकौड़े ले लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं यही चीज़ें खाने का मज़ा था। आप गर्म गर्म चाय लें, कॉफ़ी लें, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मज़े आता है खाने का। अब हम लोग वापसी का सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने भी छली ले ली थी इनसे, बनवा ली थी, वो हम लोगों ने खाई। फिर इंशाल्लाह आपको आगे दिखाती हूँ अब हम लोग क्या करेंगे। अगर आप में से जो जो मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप मेरी रेसिपीज़ को और मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कर सकें। अगर आप लोग के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, तो फिर आप लोग अच्छे से कवर करें बच्चों को, और ज़रूर जाएं एंजॉय करें। आगे जो है ना दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी के इम्कानात हैं, पेशेंगोयाँ हैं। तो जो आउट ऑफ सिटी से देख रहे हैं, लाहौर कराची के लोग या कहीं भी जगह से देख रहे हैं, वो आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँ इस्लामाबाद और मरी विज़िट करें। और वापसी में जब हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो हमें नज़र आ गए मरी के क्या कहना चाहिए इनको, जिनको देख के ना बस बच्चे तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे जी आपको अब नज़र आएंगे ढेर सारे मंकीज़। हम यहाँ से गुजर रहे थे वापसी पे, तो आप पहले एक आया नज़र, फिर दो आया, यहाँ पे ढेर सारी इनकी फैमिली नज़र आ गई मंकीज़ की। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।